हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पास एक ओप्पो आया है। ओप्पो A12 CPU है, CPS 2083 इसका देख सकते हैं पासवर्ड लगा हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें AMD की अल्टीमेट मल्टी टूल से होता है या नहीं होता। तो हमारा साथ बने रहिए, देखते हैं। तो AMD टूल हमारा पास ओपन है, तो देखिए आगे क्या होता है। रिबूट पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे। सॉरी, पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ हो गया, रिबूट पे क्लिक करें, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल को लगा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। फेल मार दिया, फिर से ट्राई करते हैं। फिर से सब स्विच ऑफ कर लेते हैं हम। वॉल्यूम अप डाउन फिर से दबाएंगे, दबाकर रिबूट क्लिक, दबाकर USB। से फैला रहा है, अल्टीमेट मल्टी टूल को कैंसिल करके फिर से हम ओपन करेंगे। टूल्स FRP में जाएंगे, मॉडल सिलेक्ट करेंगे, ओप्पो A12 रिबूट पर क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन दबा के केबल लगाएंगे। क्या आ रहा है, मेटा मोड देखते हैं, ऑन हो गया, ओप्पो पोर्ट भी शो हो गया, सेट टू रिसेट टू मेटा मोड, देखते हैं रिसेट सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुली हो गया, तो हम मोबाइल ऑन करके देखते हैं। एक हद से हमारा मोबाइल है,
पकड़ के रखा है और एक हाथ से काम चला रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो भी ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा पास ओप्पो ए 12 नया आया है। अभी तक ओप्पो ए 12 का सॉफ्टवेयर नहीं किया हम लॉक का, तो अनलॉक का सॉफ्टवेयर ये अनलॉक का पहला है हमारे लिए। तो ये देख सकते हैं लॉक अभी तक नहीं हटा, तो यहाँ पे तो दिखा दिया है रीसेट सक्सेसफुल, तो अभी तक नहीं हुआ। फिर से ट्राई करते हैं। देखते हैं एक बार फॉर्मेट पे क्लिक करके, फॉर्मेट एपेस पे क्लिक करके देखते हैं। फॉर्मेटिंग इज द डाटा डन। अब देखते हैं क्या होता है। मेटामुट में तो लॉक गया नहीं, फॉर्मेटिव पेज पे देखता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा मोबाइल लॉक तो हट गया है। अभी देखते हैं सेटअप करके एप पे लगता है या नहीं। तो इसका तो एप पे अभी जो इमरजेंसी में जाएंगे इमरजेंसी में स्टार हैश 813 हैश दबाएंगे तो ये पर भी हट गया है। अभी देख सकते हैं ई एम टी से हो गया फॉर्मेट ए पी एस। फॉर्मेट एफ एस में हो गया है, तो हमारा लिए ये नया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब
समीर मैकेनिक्स चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए नया नया वीडियो देखने के लिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि नया नया वीडियो हम डालेंगे आपके लिए। तो थैंक यू।